नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, हम देखने जा रहे हैं अपनी अगली पेंटिंग, ठीक है, जो कि मुगल पेंटिंग से ही लिया गया है, दैट इज कबीर एंड रायदास। ओके, कबीर एंड रायदास ये आपके पेंटिंग का नाम है, ठीक है। उसके बाद देखें पेंटर कौन थे इसके, उस्ताद फकीरुल्लाह खान। ओके, उस्ताद फकीरुल्लाह खान, मीडियम था वाटर कलर, सिरका 1640 AD में बनाया गया। पीरियड किसका था, शाहजहां, बहुत इंपॉर्टेंट। टेक्निक टेम्परा, कलेक्शन वही नेशनल म्यूजियम जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। फटाफट डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस वीडियो की, कहता है कि दिस मिनिएचर पेंटिंग वाज पेंटेड बाय उस्ताद फरीकुल्ला खान इन 1640 AD ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दारा सिक्को। कह रहा कि अब पूछेगा क्वेश्चन इस हिसाब से कि दारा सिक्को की रिक्वेस्ट पे कौन सी पेंटिंग बनाई गई थी, तो दैट इज कबीर एंड रायदास पेंटिंग विच वॉज पेंटेड बाय उस्ताद फरीउल्लाह खान, ठीक है। द लवली सन ऑफ शाहजहां, जो कि किसके थे, लवली सन थे किसके, शाहजहां के। दारा शेख पेड, ठीक है, ड्यू टू सूफीज एंड संस। ओके, ड्यूरिंग शाहजहां रिजीम द फेम ऑफ संत कबीर एंड रायदास वाज सेपरेट फार एंड वाइड। कह रहा है कि जब शाहजहां का रिजीम था, जब उनका पीरियड चल रहा था, बेसिकली उस काल में कबीर और रायदास की जो फेम थी, यानी कि फेमसी थी, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो रखी थी, काफी लोकप्रिय थी। हैविंग इफेक्ट ऑन दिस वेरी रीजन दिस पिक्चर वॉज केस्ड टू मेक बाई टेम्परा टेक्निक ऑफ वाटर कलर ऑन पेपर। यानी कि इस चीज को, इस प्रसिद्धि को दिखाने के लिए टेम्परा टेक्निक में वाटर कलर से इस पेंटिंग को बेसिकली आपको बनाया गया था, यानी कि इस चर्चे को फैलाने के लिए। इन दिस पिक्चर संत कबीर हैव बीन शोन वीविंग क्लॉथ आउट ऑफ हिज हर्ट। कह रहे कि इस में दिखाया गया, इस पेंटिंग में बेसिकली कि जो कबीर जी हैं वो क्या कर रहे हैं कि उस हर्ट के, अपनी जो कुटिया थी उनके, उसके पास क्या कर रहे हैं, क्लॉथ बुन रहे हैं। क्लोज टू हिम संत रायदास इज सिटिंग ऑन अ कारपेट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो रायदास है वहीं पे बगल में उनके कारपेट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। बोथ द संत सीम डिस्कजिंग ऑन द मिस्ट्री। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कुछ ना कुछ एक मिस्ट्री पे, यानी कि कोई एक रहस्यमय बात होगी जिस पे ये बात कर रहे हैं। द ट्रेसिंग ऑफ रिप्स ऑन हाफ नेक बॉडी इज अपेरेंट, ठीक है। इनके जो रिप्स है बेसिकली क्या है, उनके हाफ बॉडी पे दिखाया गया है। बोथ द संत उसके कह रहा है, बोथ द संत हैव टाइड टर्बन्स ऑन देयर हेड। दोनों ही संतों ने क्या कर रखा है, टर्बन बांध रखा है, यानी कि पगड़ी जो है बेसिकली अपने हेड पे बांध रखा है। इन द पेंटिंग द डेलिनेशन ऑफ रूलर सराउंडिंग इज रियल। इस पेंटिंग में जो सराउंडिंग है बिल्कुल रियल है। ओके, द ट्रेसिंग ऑफ हिज हर्ट इज क्लियर। इनकी जो हर्ट की जो बेसिकली जो थी वो भी काफी क्लियर है। ओके, द पेंटर सीम्स टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग द पिक्चर लाइव विथ न्यूमरस सेट ऑफ ओनली ब्राउन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। ऐसा लग रहा है कि जो पेंटर हैं इसके, यानी कि जिनको पेंटर थे उस्ताद फरीउल्लाह खान, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो सच्ची घटना थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर, ऐसा नहीं लगा कि एक पिक्चर है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियलिटी है। इस हिसाब से सिर्फ ब्राउन व्हाइट और जो येलोइश कलर थी, इन्हीं का हेल्प से बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाया है। ऑन ऑल द फोर साइड्स ऑफ द पिक्चर द पेंटर हैज ड्रॉन बॉर्डर्स। इस पूरे चारों साइड से इन्होंने बॉर्डर बना रखा है, आप देखें तो पेंटिंग के, ठीक है। ओके, ऑफ सफिशियंट विथ विथ टू कलर्स विच इज द स्पेसिफिक ऑफ दैट स्कूल। कह रहे हैं कि जो दो कलर की हेल्प से बना है, देखें एक ब्राउन और एक ब्लैक कलर की हेल्प से इन्होंने बॉर्डर बना रखा है, जो कि इस पेंटिंग के और थोड़ा सा रोमांचकार बना देता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने बनाया, उस्ताद फरीउल्लाह खान, कौन सा कलर था, वाटर कलर ऑन पेपर, कब बनाया गया, किसके काल में बनाया गया, किस स्टाइल में बनाया गया, ठीक है, और थोड़ा सा पेंटिंग के बारे में। ओके, मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में अगली पेंटिंग के साथ। ध्यान से इसे समझें और इसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।